morning, students. How are you all? I hope you all are well. From first, we have physical education का जो structure वो start करते हैं. आज हम सीखेंगे leauge tournament. क्या होते हैं और इसको कैसे draw करना है, इसके fixtures को कैसे draw करना है. तो बच्चों start करते हैं. leauge tournament एक ऐसा tournament है जिसमें क्या है, हर एक team को दूसरी team के साथ खेलने का chance मिलता है. तो एक बार अगर match lose कर जाती है तो वो सभी टीम टूर्नामेंट से बाहर नहीं होती, उसको दूसरी बार चांस मिलता है और वो अपने पॉइंट्स अप करने के बाद क्या करती है, क्वालिफाई कर सकती है नेक्स्ट राउंड के लिए या फिर जितने भी आगे हैं जब तक वो जीतती रहेगी या उसके पॉइंट्स अप होते रहेंगे. तो इसमें क्या है, इसमें एक बार हारने के बाद आप टूर्नामेंट से बाहर नहीं होते, हर टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है. तो ये दो टाइप के होते हैं लीग टूर्नामेंट. एक होता है स्टेयर केस मेथड एंड दूसरा होता है फाइटिंग मेथड. तो जो स्टेयर केस मेथड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ड्रॉ करने के बाद जो इसकी शेप आती है वो ऐसे आती है जैसे स्टेयर की होती है. तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टेयर केस मेथड कहा जाता है. और फाइटिंग मेथड इसलिए कहा जाता है इसको, फाइटिंग मेथड को, क्योंकि इसमें जब भी हम फिक्चर बनाते हैं तो टीम्स क्या करती हैं, रोटेट करती हैं प्रॉपर. जब वो रोटेट करती हैं तो जैसे साइकिल के टायर जैसे रोटेट करती हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फाइटिंग मेथड कहा जाता है. अब हम ड्रॉ करना सीखेंगे इनको, कैसे हमने वो करना है, इनको ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले इसमें हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है. हम फाइटिंग मेथड से स्टार्ट करते हैं, हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है. एक हमें नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालना है और दूसरा हमें नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालना है. नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सेम केसेस के लिए भी सेम है, एन एन मतलब जो भी हमारे नंबर ऑफ टीम तीन है और एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू. तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है हमारा जो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मैचेस जो हमने निकालने हैं उसके लिए हम यूज करेंगे. एन हमारे लिए क्या है, जो नंबर ऑफ टीम्स हमें गिवन किए हैं, ठीक है, दी है, तो उससे हम निकालेंगे. अगर नंबर ऑफ टीम्स हमारी सेवन है तो सेवन सेवन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू तो कितना होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस कितने निकल के आए, 21. तो ये मेथड है हमारा नंबर ऑफ मैचेस निकालने का. उसके बाद है नंबर ऑफ पॉइंट्स कैसे. अब नंबर ऑफ पॉइंट्स में हमारे पास दो चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है, हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स इवन है या ऑड है, ये हमने ध्यान में रखना है. अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो हमने क्या करना है, हमारा जो फार्मूला हमने यूज़ करना है एन माइनस वन का, ये फार्मूला हमने यूज़ करना है. मान लो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स एट है तो हमने क्या करना है, एन माइनस वन मतलब एट माइनस वन, मतलब हमारे पास काउंट नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने निकल के आएंगे, सेवन, ठीक है. और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स ऑड है तो इसमें जो हमारे नंबर ऑफ काउंट्स हैं वो क्या होंगे, एन ही होंगे. मतलब जो नंबर ऑफ टीम्स हमें डी हुई हैं, चाहे सेवन डी हुई हैं, चाहे नाइन डी हुई हैं, इलेवन डी हैं, वही क्या है, हमारे नंबर ऑफ राउंड हैं. तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है, ऐसी चीज़ हमने ध्यान में रखनी है और ऐसी चीज़ हमने जो अपने एग्जाम में हमने जाने का भी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे. तो बच्चे अब हम ये तो हमने वो कर लिया, अब हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे हम वो सीखते हैं. तो बच्चे अब हम ड्रॉ करने से पहले हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो नंबर ऑफ टीम्स हैं, अगर हमें नंबर ऑफ टीम्स इवन भी हुई हैं तो हमने क्या करना है, जो नंबर ऑफ वन जो पहले नंबर की टीम होगी ना उसको हमें टॉप पे फिक्स कर देना है, फिक्स ऑन द टॉप, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. और जो नंबर ऑफ टीम्स अगर और भी हुई हैं तो हमने बाय, बाय आपको पता ही है एडवांटेज है, बाय हमने क्या कर देनी है, फिक्स कर देनी है, बाय फिक्स ऑन द टॉप, ठीक है. अब हम ड्रॉ करते हैं. अगर हमें नंबर ऑफ टीम फाइव दी हुई है, मतलब हमें और नंबर ऑफ टीम दी हुई है, तो हमारे पास जो राउंड है वो तो क्या रहेंगे, फाइव रहेंगे. और मैचेस हमारे पास कितने हो जाएंगे, फाइव, फाइव माइनस वन वेरी वाई टू. तो हमारे पास मैचेस कितने हुए, मतलब हमारे पास टेन, टेन मैचेस होंगे, नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास टेन हो गए. और हमारे पास अब ये नंबर ऑफ टीम्स ऑड है तो हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था हमने क्या करनी है, बाय फिक्स कर लेनी है,
हम लिखेंगे सबसे पहले ऐसे, इसको ड्रॉ करेंगे राउंड वन। राउंड कितने हमारे पास, एन ही है, मतलब नंबर ऑफ टीम्स ऑड हैं तो हमारे पास राउंड एन है। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, राउंड थ्री, राउंड फोर एंड राउंड फाइव। अब हमने बताया था कि जब ऑड है तो हमने क्या कर देनी है, बाय यहाँ पे फिक्स कर लेनी है। अब एवरी चीज ड्रॉ करना बच्चे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी, फाइव थी। फाइव नंबर ऑफ टीम है तो हम स्टार्ट करेंगे मतलब फाइव से। फाइव टीम को क्या मिल गया, बाई मिल गया पहले इसमें। फाइव के बाद क्या आता है, फोर थ्री टू एंड वन। देखो ये क्या हुआ, रोटेट हुआ, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, ठीक है। अब फाइव हो गया, अब यहाँ पे आएगा फोर। ध्यान से देखना बच्चे, फाइव के बाद क्या आता है, थ्री। थ्री के बाद क्या आता है, टू। टू के बाद क्या आता है, वन। एंड वन के बाद क्या आता है, फाइव। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा पीपीटी अपलोड कर दूंगी या फिर आपको दोबारा इस वीडियो की जरूरत को समझा दूंगी। तो इसके बाद क्या है हमारा, थ्री। थ्री को भी बाय हमने दी है, मतलब यहाँ पे हर टीम को एक एक बाय मिल रही है, एक एक एडवांटेज मिल रही है, ताकि उनके पॉइंट्स इक्वली अप हो सके। अब थ्री के बाद क्या आता है, टू, वन, वन के बाद फाइव, एंड फाइव के बाद फोर। रोटेट हो रहा है ना, देखो इसी, इसको क्या बोलते हैं, फाइटिंग मेथड बोलते हैं। अब इसके बाद है टू, टू के बाद क्या है, वन, वन के बाद फाइव, फाइव के बाद फोर और थ्री। अब इसके बाद है नंबर वन टीम, इसको भी बाय दे दी हमने, इसको भी एडवांटेज दे दिया। वन के बाद क्या आता है, फाइव फोर थ्री टू। ये देखो नंबर ऑफ राउंड कितने, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये नंबर ऑफ राउंड हो गए फाइव। एंड नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। तो नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास कितने हुए, फिफ्टीन, जो हमने पहले ही काउंट कर लिया था, पहले ही निकाल लिया था। तो बच्चे अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिस करके देखना ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओ। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर ऐसे मैम को मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी कैसे वो करना है, या फिर हम क्लास में दोबारा समझ लेंगे। अब ये तो क्या, ये क्या था, ये था नंबर ऑफ टीम्स और फिगर। अब नंबर ऑफ टीम्स जब हमारे पास इवन होंगी तो हमने कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टीम्स सेवन भी हो सकती है, इलेवन भी, क्योंकि एग्जाम में जैसे भी नंबर ऑफ इवन टीम्स दी होंगी हमने, उसे वैसे ही सॉल्व करना है। अब नंबर ऑफ टीम्स जब हमारे पास इवन दी हुई है तो इवन में हमने क्या करना है, नंबर ऑफ राउंड जो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है एन माइनस वन से, ठीक है। और इवन में जब हमें दी हुई है टीम्स दी हुई हैं तो हमने क्या करना है, उसको जो नंबर वन की टीम है उसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। जैसे हमने बाय फिक्स करी थी ना, बाय टॉप पे फिक्स कर दी थी हमने, नंबर वन की टीम है उसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना। चलो हम ड्रॉ करके देखते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ टीम अगर एक दी हुई है तो हमने इसको सबसे पहले तो हमने इसका राउंड निकालना है, नंबर ऑफ राउंड, तो हम इसको माइनस वन कर देंगे, मतलब हमारे पास सेवन राउंड निकल जाएंगे। तो हम ड्रॉ करते हैं, लिखना वही है, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, ऐसे ड्रॉ करना है, राउंड फोर, राउंड फाइव, राउंड सिक्स एंड राउंड सेवन। तो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि हमने नंबर ऑफ जो वन थी ना उसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना, सब जगह से फिक्स कर देना। अब हमारे पास टीम एट थी तो हम एट से स्टार्ट करेंगे,
8, which is 7, 6, 5, 4, 3, 2. देखो बेटा बन गया ना, रोटेशन हो रही है ना, तो आप देखिए इसको साइकिलिंग मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 5 4 3 2। 1 तो ऊपर है, तो 2 के बाद क्या आना है, 8 आना है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि 1 हमने फिक्स कर दिया, तो हमने 1 की जगह पे हमने क्या कर देना है, जो हमारी उसके बाद वाली टीम है हमने वो लिखना है। यहाँ पे आएगा 6, ये मैसेज है। जैसे 8 का मैचअप 1 से होगा, फिर 7 का 2 से, 6 का 3 से, 5 का 4 से, ये ऐसे मैचेज होंगे। यहाँ पे 5 6 है, 6 के बाद आएगा 5 4 3 2। 1 ऊपर 6 है, 2 के बाद क्या आएगा 8, और यहाँ पे क्या आएगा 7। अब यहाँ पे 5 4 3 2 के बाद क्या है 8 7 6 4 4 के बाद क्या है 3 2 1 ऊपर 1 के बाद क्या है 8 7 6 5 3 2 1 के बाद 8 7 6 5 4। तो बेटा रोटेट हो रहा है, बस ध्यान में दो चीज़ें रखनी है, एक तो 1 फिक्स कर देना ऊपर, दूसरा क्या है रोटेशन 1 की जगह पे जो भी आ रहा है उसको क्या करना है, हमने जो नेक्स्ट टीम है, जो नंबर टीम है उसको हमने क्या कर देना, लिख देना। ठीक है, बात क्या है 2, ठीक है 2 के बाद क्या है 1 को लिखना नहीं है, 1 की जगह क्या है 8 7 6 5 4 3। तो ये देखो, ये क्या हमारा साइकिलिंग मेथड है। बस क्या ध्यान में दो चीज़ें रखनी है, बाकी सब रोटेट होता रहेगा वैसे ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया ये कौन सा मेथड है, साइकिलिंग मेथड है। दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ राउंड कैसे निकालने हैं। इवन का अलग फार्मूला है, ऑड का अलग फार्मूला। तो बच्चे इस वीडियो में आपने जो भी सीखा है, जो भी जॉब मैंने सीखा है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद क्या आपको ईजी रहेगा, जब एग्जाम में हमारे नज़दीक होते हैं तो हमें ईजी रहता है, मतलब प्रिपेयर करने में अच्छा रहता है। अब नेक्स्ट क्या है, सेल मेथड हमें कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चे इस वीडियो में हमने क्या सीखना है, सेल केस मेथड हमने कैसे वो करना है, इसका फिक्स्चर हमने कैसे ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें नंबर ऑफ मैचेस का सेम ही फॉर्मूला है, n n-1 2। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स 5 हैं, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस कितने निकल गया है, 10 निकल गया है। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसमें नंबर ऑफ इवन और नंबर ऑफ टीम इवन और ऑड का कोई भी ऐसा वो भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, तो हम ड्रॉ करते हैं। जैसे इसमें क्या ध्यान रखना है कि हमने जो नंबर ऑफ टीम 1 है उसको हमने फिक्स कर देना, जैसे 1 का मैच 2 के साथ भी होगा, 1 का मैच 3 के साथ भी होगा, 1 का मैच 4 के साथ भी होगा, 1 का मैच 5 के साथ भी होगा। ये क्या है हमारा राउंड 1। अब इसमें 1 ने सारी टीम्स के साथ मैच खेल लिया, तो मतलब 1 बाहर हो चुकी है। अब हम इसमें उठानी है नंबर 2 टीम, 2 का मैच होगा 3 के साथ, 2 का मैच होगा 4 के साथ, 2 का मैच होगा 5 के साथ। इसीलिए इसको सेल केस मेथड बोलते हैं, क्योंकि देखो सेल्स बन जाएंगे जैसे जैसे राउंड आगे कंप्लीट होते जाएंगे। ये नंबर राउंड 2। अब यहाँ पे 2 का मैच सभी टीम्स से हो चुका है, इसलिए हम इसको बाहर कर देंगे। अब 3 उठाएंगे, 3 का मैच किससे होगा, 4 से होगा, 3 का मैच किससे होगा, 5 से होगा। टीम भी 3 ने भी दोनों के साथ मैच खेल लिया, 3 5 की हो गई,
यहाँ पे हम करेंगे 4 and 5 का मैच। तो इसीलिए इसको स्पेसिस मेथड बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है। तो बहुत सिंपल मेथड है, बहुत ईजी है और एग्जाम में आ भी सकता है। तो आप इसको बहुत सिंपल वे से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे बस आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ मैचेज निकालने हैं, नंबर ऑफ टीम्स आपको चाहिए, इवन भी हैं और भी हैं, हमने सेम एज इट इज भी हमने क्या करना है, इसको फिक्सर ड्रॉ करना है। तो बच्चे अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से बोल रहे हैं, तो मैं आपको PPT अपलोड कर दूँगी या फिर अपने आपको मैसेज कर देना, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई मैं फिर बता दूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।